परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में माइनॉरिटी समुदायों की ओर से बंगाल की धरती से यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए परिवर्तन की आवाज़ कहा जा रहा है, इसको गिरा दिया जाए कैसे भी करके, और इसको अगर जीत लेंगे तो पूरा भारत हमारे लिए 2024 तक राज करते रहेंगे। अब वही दशा उनकी यूपी को लेकर होगी, उनकी ये सोच है कि अगर ये चला गया तो हम 2024 तक नहीं रह पाएंगे। इसीलिए बीच में कोशिश की गई थी कि योगी जी को हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, पर योगी जी की अपनी एक हिंदू युवा वाणी करके नेशनल पार्टी भी है जिसमें 50 से ज्यादा विधायक है, उन्होंने अपना जोर चलाया और जो काम पिछले 5 साल में शिक्षा पे, रोजगार पे और स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग वहाँ गाँव में गए हैं, ये डॉक्टर पन रोड हमने यूपी और बिहार में भी चलाया है, तो लोगों ने कहा दवा मत दो। उत्तर प्रदेश द टाइम हैज कम टू कम ओवर विद द आइडेंटिटी ऑफ रीजन एंड कास्ट। You are Indian first. Before that, you are human. Then you are Indian, then you are Bengali. The same way you also think and tell. Then you are Aditya Ji Maharaj, your time has come. The Americana, बच्चों के हत्यारों के जाने का समय आ गया है। 2022 में योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आजिस अनुमान ऑफ टाइगर। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल द टाइम हैज कम टू दिस बाबा टू गो बैक टू गोरखपुर। आई मेट डॉक्टर बिप्लव 3 years back when I came out of the PRD of State Tragedy after spending 9 months in prison, I came to Calcutta and I got so much fun. भारत बायोटेक का भी यही कहना है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी यही कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ऑर्डर ही नहीं दिया। जब गरीब में कोई अगर 80 करोड़ पीपुल है, अगर 60 करोड़ जैसे 80 ईयर्स मानते हैं तब भी 140 मिलियन पीपुल, 1.4 बिलियन पीपुल में आपके 80 करोड़ एडल्ट है जो 18 से ऊपर है, तो आपको 2 डोजेज के हिसाब से 160 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। वो टाइम से आपने टीका उत्सव मनाया 11 से 14 अप्रैल के बीच में। आपको याद होगा जब कोरोना की सेकेंड वेव आई हुई थी उस वक्त टीका उत्सव मनाया जा रहा था और उसके कुछ ही दिन बाद वैक्सीन खत्म हो गई थी। नाउ व्हेन यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑन 21st of June योगा दिवस के दिन से, जब से उन्होंने योगा किया उन्होंने वादा किया कि हम वैक्सीन सबको लगाएंगे, पर वो बाबा रामदेव की वादा योगा था। वो तो है, तो सब बातें हैं, लेकिन ये है कि 21st June को उन्होंने कहा कि हम 25% वैक्सीन जो है स्टेट को हम प्रोवाइड करेंगे, 25% भी दोनों का प्राइवेट है। वो भी उन्होंने कहा कि सिर्फ 150 से 200 रुपए ले सकते हैं वो प्राइवेट है, लेकिन आपको बता दूं बचाई है कि किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में एक वैक्सीन का जो चार्ज है वो 1400-1500 होते ही है किसी मेट्रो सिटी में, और एक गरीब आदमी से पूछा जाए तो उसकी अभी भी पर डे की इनकम है 300 रुपीज है, वो भी जब उसको काम मिल जाता है तब, तो जब वो उसको 4-5 दिन का अपना काम का दिहाड़ी का जब उसको देना पड़ेगा तो वो नहीं लगा पाएगा। The second thing, one vial of vaccine can have 10 doses. ठीक है, 10 डोज़ ठीक है। भारत बायोटेक ने इनिशियली कहा था कि उनका एक वायल जो है वो 150 रुपए में आएगा, यानी 1 डोज़ 50 रुपीज। एंड इवन गवर्नमेंट इज पेइंग अराउंड 400 रुपीज पर डोज। तो वैक्सीन में हम फेल हो चुके हैं। अरे आपको कंपेयर करते हैं यूएसए, यूएस ने अपनी जो है हाफ ऑफ 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन
तो ये बताना भूल जाते हैं कि यूएस की पॉपुलेशन 35 करोड़ है, तो यानी ऑलरेडी वैक्सीनेटेड 75% ऑफ पीपल। ऑस्ट्रेलिया इज वैक्सीनेटेड और इस नंबरी में वो 2 डोजेस होती है। इंडिया 5% इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड। पहले तो हम लोग 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन इस बार तो वो 2 डोजेस इज नॉट कंप्लीटेड। एंड एज अ डॉक्टर बनते थी आई एम वरीड अबाउट द गैप ऑफ 12 वीक्स 84 डेज ड्यूरेशन फर्स्ट।